नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। मध्य प्रदेश के मऊगंज में आज प्रदेश स्तरीय संबल योजना एवं अनुग्रह सहायता राशि के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में शामिल होने पर एक क्लिक के माध्यम से तकरीबन 605 करोड़ रुपए की राशि लोगों के खाते में डाली गई है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में 738 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इस दौरान मऊगंज को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले बनाने की घोषणा भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मऊगंज, नईगढ़ी, देवतालाब और हनुमना कुल 4 तहसीलों को मिलाकर मऊगंज जिला बनाया गया है। दरअसल विगत 15 वर्षों से मऊगंज को जिला बनाने की आवाज़ उठा रही है, जिसके तहत लोगों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, परंतु आज तक मऊगंज को जिले का दर्जा नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज मऊगंज में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से ही मऊगंज जिला बनाने की घोषणा भी की है। मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे बहुत दिनों से यहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज आने को कह रहे थे, परंतु मैंने कहा कि जब मैं बन जाऊँगा तो कुछ ऐसा ऐतिहासिक करूँगा और मऊगंज को बहुत कुछ लेकर आऊँगा, जिसके लिए अब आज मैं आया हूँ और मऊगंज को जिला बनाने के लिए नक्शा लेकर आया हूँ। संबल योजना एवं अनुग्रह सहायता राशि को सिंगल के ही माध्यम से लोगों के खाते में डालने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने मऊगंज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए मंच से ही कह दिया कि मऊगंज, नईगढ़ी, देवतालाब और हनुमाना कुल 4 तहसीलों को मिलाकर के जिला बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कह दिया है कि आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन मऊगंज जिला मुख्यालय से झंडारोहण भी किया जाएगा, जिसके लिए वह पूरी तैयारी कराए हैं। आपको बता दें कि मऊगंज को जिला बनाए जाने में बाद मऊगंज जिले वासियों में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया है और अब लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके लिए स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा समूचे मऊगंज जिले में रैली भी निकाली गई। जगत न्यूज 24 के लिए MP रीवा से हरिप्रकाश की खास रिपोर्ट। दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना है और तुरंत कोविड आ गया, कोरोना लग गया, कोविड उसके कारण निकलना बंद, आना बंद, जाना बंद, घूमना बंद, वो बड़ी मुसीबत के दिन थे। लेकिन उस समय भी आपका साथ मिला तो संकट का समय। और देखो, प्रधानमंत्री जी को मैं आज प्रणाम करता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अरे ऐसा देश था पहले कांग्रेस के राज में कि कई वर्षों तक कोविड की या कोई महामारी आती थी उसकी वैक्सीन बनती नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने 8 महीने में वैक्सीन बना दी, 200 करोड़ को लगा दी थी और इसलिए कोविड से हम बच गए। उस समय कांग्रेस ही तो वैक्सीन का भी विरोध करते थे, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है कि हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो। अब कोविड के कारण 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए, कोविड से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे, बस एक ही धुन थी। और दिनों रात हमने, वो दिन याद है जब ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं कि ऑक्सीजन भिजवाओ, ऑक्सीजन भिजवाओ, टैंकर भेजो, नहीं तो लोगों की जान चली जाएगी। दिनों रात हमने काम किया, 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 1 साल से हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे पास प्रदीप पटेल बार बार आते थे कि भाई साहब मऊगंज चलो, इनका जाएंगे तो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो सौगात है। तो घर वालों ने कहा कि देवथर अलग रहे, हमका मंजूर है। मनगवा वालों ने कहा मनगवा अलग रहे, हमका मंजूर है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है, और इसलिए मऊगंज के साथ नईगढ़ी और नईगढ़ी के साथ तीसरी तहसील है हमारी हनुमना,